हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक लेजर बना करके और उसी के माध्यम से हम अपने कई स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, ऐसी किसी ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो यहां पर अकाउंटिंग वाउचर में आकर के आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 की। जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे कहां आ जाएंगे आप, अकाउंटिंग फीचर पर। ये अकाउंटिंग फीचर का कंपनी फीचर की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहां पर आपको अकाउंटिंग फीचर में जाना है, ए प्रेस कर देना है, तो यहां पर आ जाएंगे। अब यहां से आ जाइए आप कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, यहां पर आकर के मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ये जो ऑप्शन है ना इसको आपको कर देना है यस। ये देख सकते हैं इसको यस करना है और इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना। यहां से आप इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। ये हमने एक्सेप्ट करा लिया, अब ये ऑप्शन हमारा चालू हो गया है, ठीक है। अब इसका फायदा देखते हैं हम, तो अभी हम इसका फायदा देखेंगे। हम अपने स्टाफ को पेमेंट करेंगे सैलरी, तो यहां से आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में, ठीक है। और यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक लेजर क्रिएट करता हूं, सैलरी गिवन टू स्टाफ। ये हमने लेजर क्रिएट किया, सैलरी गिवन टू स्टाफ, ठीक है। एंटरप्रेस किया, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहां मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस रखना है आपको, टीडीएस की बात नहीं करेंगे अभी। तो यहां पर आ गए, कुल मिलाकर के हमने 1.5 लाख रुपए सैलरी बांटी अपने स्टाफ को, ठीक है। तो ये 1.5 लाख रुपए सैलरी हमने यहां डाल दिया। अब यहां पर आ रहा है कॉस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी गिवन टू स्टाफ, ठीक है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, पहला नाम, पहले हम सैलरी देंगे अवनीश को, तो यहां लिख दिया अवनीश सिंह, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और एंटर प्रेस किया, इनको सैलरी जा रही है। तो ये आ गया यहाँ पे, पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए यहाँ आ रहा है, लेकिन हमको इनको कितना सैलरी देना है, सिर्फ 5,000 रुपए देना है। तो ये आ गया। अब फिर यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, दूसरा जो स्टाफ है वो है विवेक, ठीक है। तो विवेक को सैलरी देना है, तो यहाँ पे विवेक कर लीजिए। और यहां पर अब बाकी का बचा हुआ आ रहा है, तो विवेक को 7,000 सैलरी देनी है, तो ये 7,000 दे दिया, ठीक है। अब अल्ट के साथ सी फिर प्रेस कीजिए और यहां पर युवराज, इनको भी सैलरी देनी है, तो ये यहां पे सैलरी दे दीजिए। और जो भी जितनी भी सैलरी इनकी बनती है, जैसे 6,000 रुपए सैलरी इनकी बन रही है, तो ये दे दिया हमने। अब यहां पर एक मैनेजर है, मैनेजर राकेश करता हूं, राकेश, ठीक है। तो मैनेजर राकेश कर दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहां पर इनको सैलरी जाएगी 30,000 रुपए, ठीक है। तो ये 30,000 रुपए कर दिया हमने। फिर यहां पर आएंगे कैशियर, तो कैशियर को सैलरी जो जाएगी वो यहां पे आएगी, कैशियर को 25,000 जा रही है सैलरी, ठीक है, ये दे दिया हमने। और यहां पर एक चार्टेड अकाउंटेंट है हमारे सीए, तो उनको जो सैलरी जाएगी उनको यहां पे पेमेंट 50,000 रुपए, एंटरप्रेस किया, ठीक है। और अगर कोई प्यून है तो उनको भी सैलरी आप दे सकते हैं यहाँ पे अल्ट साथ सी प्रेस करके, और प्यून का बना लीजिए, और यहाँ पर प्यून को हम 3,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और विनोद, ये हमने डाल दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस किया, तो यहाँ पे इनको सैलरी जाएगी 6,000 रुपए। और फिर अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ, दुर्गेश है, इनको भी सैलरी जाएगी 7,000 रुपए, ठीक है। और फिर यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ और यहां पर है हिना, और अब ठीक है, तो इनको सैलरी जाएगी 5,000 रुपए। तो ये हमने कर लिया, तो ये सारे एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दे दी, ठीक है। और लेजर क्या रहा हमारा, सिर्फ एक ही लेजर रहा, सैलरी गिवन टू स्टाफ, यही लेजर तो हमने बनाया था। तो देखिए एक ही लेजर के माध्यम से हमने सारे स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर दी। अब ये सैलरी कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दीजिए, अदरवाइज बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक दे सकते हैं, हम यहाँ कैश कर देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ नरेशन डाल सकते हैं सैलरी गिवन, ठीक है, एंटरप्रेस कर दिया और यहां से एक्सेप्ट करा लिया इसको, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाइए, अब इसको देखना हो तो दो बार डी प्रेस कीजिए, यहां से देख लीजिए सैलरी गिवन टू स्टाफ, यही था हमारा, एंटरप्रेस करेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा आपको। अगर इसका प्रिंटआउट निकालना है तो अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए, प्रिंटआउट भी निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।